टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ये सनु जी, बात करें अगर बिनौला कल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि 3300 के ऊपर ही स्टक होकर रह गया है। आपको क्या लगता है, बिनौला खल में 3400-3500 तक के जो लेवल्स थे वो कब तक देखने को मिल पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है जल्दी ही यहाँ पर हम तेजी का जो दौर है वो दोबारा शुरू होते हुए देखेंगे, क्योंकि कॉटन अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड काफी बढ़ती हुई दिखाई दी है। कॉटन की क्रॉप भी भारत के अंदर इस बार कम देखने को मिली है। मुझे लगता है कि जो डिमांड है पशु चारे की वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी खल के भावों में हम तेजी कंटिन्यू देखेंगे। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हमने एक रेंज बाउंड मूवमेंट जरूर देखी है, मगर यहाँ पर हमारी सलाह है कि खरीदारी की सलाह करके चलें, खरीदारी का ट्रेड लेके चलें। ऊपर में जो हम टारगेट देख रहे हैं करीबन 3600-3700 तक के लेवल आपको खल के अंदर जल्दी देखने को मिलेंगे, तो कॉटन पैक के अंदर भी खरीदारी की सलाह रहेगी जी। तो यानी कि इंडस्ट्रियल डिमांड भी देखने को मिल सकती है, और इस बार थोड़ी बिनौला खल के उत्पादन में गिरावट भी देखने को मिली क्योंकि कपास के बीजों की किल्लत देखी गई है, जिसकी वजह से बिनौला खल में आगे चलके और अच्छी तेजी बनती नजर आ सकती है। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।